हरियाणा में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में भी अछूता नहीं है। दो दिन पहले मरीजों की संख्या 5 थी, जो बढ़कर 1 दर्जन हो गई है। एक तरफ मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। विभाग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए टीम बना दी गई है। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगी। वहीं मच्छर का लार्वा मिला तो 50 घरों तक फॉगिंग भी करवाएंगे। CMO डॉक्टर रघुवीर शांडल्य ने बताया कि 22 टीमें शहरी क्षेत्र के लिए तो 119 टीमें ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को रविवार के दिन ड्राई डे मनाना चाहिए। घरों से सफाई हो, पानी इकट्ठा ना हो, कूलर ऐसी या अन्य उपकरण में भी पानी इकट्ठा ना हो, अपने आसपास भी पानी एकत्रित ना होने दें, क्योंकि पानी जहां होता है वहीं मच्छर पनपता है। CMO ने बताया कि डेंगू मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, विभाग के पास दवाइयां भी हैं और इलाज के लिए हर चीज उपलब्ध है। CMO डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि 12 में से 11 का इलाज उनके घर में ही चल रहा है, जबकि 1 को एडमिट करना पड़ा है। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारी जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग है, डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया के हर मरीज की सुविधा उपलब्ध है, और इसकी जानकारी के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दूसरा रहा बात फॉगिंग का, फॉगिंग के लिए अभी तक हमने 35 लीटर दवाइयाँ पायरेथ्रिन जो दी है वो MC को दी है, ताकि जो हमारे MPSW मेल जाते हैं वहाँ पर जिस घर में लार्वा मिलता है तो उस एरिया के आसपास के 50 घरों में वो फॉगिंग होनी चाहिए। वहीं सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका ने बताया कि अब तक 5 लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ी थी, जिन्हें रक्त उपलब्ध करवा दिया था। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी प्रकार के टेस्ट की भी सुविधा यही मौजूद है। जैसे आजकल जो है डेंगू के केसेस जो है काफी बढ़ रहे हैं, और हमारे ब्लड बैंक द्वारा जो है आप सबको बताना चाहते हैं कि RDP की सुविधा उपलब्ध है। तो किसी को भी RDP की जरूरत पड़े तो हमारे ब्लड बैंक से 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। अब तक जितने डेंगू के मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं उनमें से हमारे रक्त कोष से जो है 6 RDP की यूनिट्स इशू हो चुकी हैं, और हमारे यहाँ पर जो है 24 घंटे सैम्पलिंग की वो सुविधा भी उपलब्ध है। तो कृपया करके जिसको भी डेंगू के लक्षण है आके अपनी जाँच कराएँ, और जरूरत पड़ने पर कोई भी हमारे ब्लड बैंक से संपर्क करके RDP की सुविधा उपलब्ध ले सकते। डेंगू तेजी से पूरे हरियाणा में पैर पसार रहा है, ऐसे में सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। विभाग को बेशक अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना होगा। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपने आसपास सफाई जरूर रखें, पूरे कपड़े पहनें, पानी एकत्र ना होने दें। भिवानी से दीपक मुटरेजा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।